हेलो बाबा। हाय। तो बाबा, तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था आपसे। जो हम लोग तिमूर खाते हैं, तो वो क्या है बेसिकली? स्पाइस है, हर्ब है, शर्ब्स है, क्या है वो? बेसिकली तो स्पाइस है बेटा ये, ना? लेकिन ये हर्ब तो नहीं है, शर्ब में कह सकते हैं कि शर्ब मतलब इसके झाड़ियाँ होती हैं। मतलब झाड़ियाँ ट्री में भी नहीं आता, लेकिन झाड़ियाँ मतलब उसकी हाइट के 5 फीट 6 फीट के आसपास की झाड़ियाँ होती हैं, जैसे मुंशियारी में काफ़ी तादाद में मिलता है। मुंशियारी में ये नेपाल में, चाइना में, कई कंट्रीज में मिलता है तिमूर। इसकी जो मेडिसिन वैल्यू भी है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल होता है। बचपन में हम क्या करते थे कि जार में कहीं दर्द होता उसमें लौंग की तरह उसको फंसा लेते थे, तो उसे रिलीफ मिलता था। तो आपको तिमूर कैसा लगता है ओवरऑल खाने में? तिमूर तो हमारे यहाँ बेटा, हम तिमूर तो ये हमको ही बोलते हैं तिमूर। मरकटियों को तिमूर बोलते हैं, पता नहीं कैसे इसका ये मतलब क्यों बोलते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। जैसे कोई बोले तो झमझमाट आता है एकदम। हाँ। तो लोग बहुत मरते बहुत गुस्सेल होते हैं, मतलब तेज होते हैं। इसलिए तिमूर है। आज हम तिमूर बना रहे हैं, आपको कैसा लगेगा आज हम तिमूर खाएंगे? बढ़िया रहेगा, लेकिन आज थोड़ा मौसम के हिसाब से सूट नहीं करेगा, लेकिन तिमूर तो सदा बाहर है क्योंकि अच्छा लगेगा। हेलो मम्मी। हेलो। सो ये है आज की शेफ, शेफ उषा। तिमूर का साग बनाने के लिए घी है, और ये चावल का आटा है, ये तिमूर है, और ये हल्दी है, नमक है, ये मिर्च है। इसको ना, हाँ, इसको हम फिर पीसेंगे, नहीं तो ये आजकल बरसात का मौसम है, थोड़ा इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो में जाने। वैसे तो लोग इसका पाउडर बना के रखते हैं जनरली, है ना, पाउडर बना के रखते हैं, पर अगर अगर आप उसी टाइम ही इसको पीस के खाओ तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग ही होगा। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें 2 चम्मच भी डाल दो अपने स्वाद के हिसाब से, जितना आपको अच्छा लगता है। वैसे लोग बोलते हैं कि तिमूर को सर्दियों में खाना चाहिए क्योंकि थोड़ा गर्म होता है ना, ये बरसात के सीज़न में भी जैसे ऐसे होता है ना, हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में जम जम श्यम श्यम। क्या जम जम श्यम 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 मींस की ऐसे बरसात के टाइम में ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि वो बरसात के टाइम में भी तिमूर लोग खा लेते हैं कभी कभार, है ना। ये है चावल का आटा, हाँ, जैसे हलवा बनाते हैं ऐसे ही ना, ऐसे भून लिया पहले काट लेंगे। अगर कोई अगर वो है जिसने कभी आज तक तिमूर खाया नहीं है, तो उसको आप कैसे बताओगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट बहुत झमझमाट होता है। झमझमाट। वैसे लोग मर्तोलिया को भी तिमूर बोलते हैं ना? तिमूर बोलते हैं, हाँ। क्यों? लेकिन हम झमझमाट तो है ही नहीं। अब है, वो भी होते हैं मर्तोलिया। ये मिक्स कर दे इसको, इसको मिक्स थोड़ा सा हल्का सा भून गया, ये हमारा रेडी हो गया। ये रेडी हो गया। अब हम लोग हरी सब्जी बना रहे हैं। इसको साबुत हरी लाल मिर्च इसको काटते हैं छोटे छोटे बाइट्स में, इसको ना थोड़ा काट के, अगर ये ठीक से गर्म नहीं हुआ तो ये चिलकन आता है। चिलकन, चिलकन मतलब? चिलकन एक वो, अच्छा मतलब स्मेल चिलकन। हाँ, मैं डाल दिया डाल दी थी। लोई की कढ़ाई में तिमूर का साग और हरी सब्जी दोनों मैंने लोई की कढ़ाई में बनाई, इसका स्वाद अलग है। मेरी आँख में एकदम पानी पानी हो गया बिकॉज इतना ज़्यादा मसाला था उसमें। अभी मैं और मम्मी हम लोग बाहर आओ। अरे गर्मी लगी, बाहर अच्छी हवा चल रही है।
अभी कुछ दिन से बारिश हो रही थी देहरादून में, काफ़ी बढ़िया बारिश हुई है ना मम्मी। आज थोड़ी धूप आ गई, थोड़ी चिपचिप वाली धूप। वैसे तो देहरादून में जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, जून से ज़्यादा था, 15 जून के आसपास से। हाँ, पर अब तो पता नहीं, इस बार बहुत गर्मी है देहरादून में भी। देहरादून देहरादून जैसा नहीं रहा क्योंकि जब बहुत गर्मी होती थी पहले, ऐसा था कि गर्मी बहुत होती तो लगता था कि बारिश होगी शाम को, देहरादून की खासियत थी। अब पता नहीं, क्लाइमेट चेंज। तो माय प्लेट एकदम रेडी है, थोड़ा सा हम लोग लेते हैं ग्रीन सब्जी। इसको हम लोग की लैंग्वेज में ना कापा भी बोलते हैं। वैसे इसका जो फ्लेवर है ना, मिर्च वाला फ्लेवर, वो बहुत थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है स्मेल। थोड़ा तिमूर ट्राई करेंगे, और तिमूर का टेस्ट मैं आपको डिफाइन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत ही इसका टेस्ट बहुत अलग है। और मोस्टली जो हमारे घर में तिमूर बहुत कम लोग खाते हैं। मैं बचपन में मैं नहीं खाती थी, बट स्टार्टेड ईटिंग कुछ टाइम से। तो पहला बाइट लेते हैं। अच्छा बना है सौम्या, खाए कर तू। बिहाइंड द कैमरा सौम्या अनुष्का, जिसको तिमूर बिल्कुल नहीं पसंद है, बट लेकिन तू ट्राई करना आज का जो है थोड़ा माइल्ड टेस्ट। और उत्तराखंड आओ तो एक बार ये जो सब्ज़ी है, राई की सब्ज़ी, ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत आपको मिल जाएगी। और तिमूर का मैं कह नहीं सकती कि तिमूर बहुत कम जगह पर मिलती है, तो कभी मुंशारी या जोहार साइड आओ तो तिमूर किसी घर में ज़रूर खाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइज इन्जॉयड। एंड ये कुछ नई रेसिपी थी, नेक्स्ट रेसिपी भी कुछ इंटरेस्टिंग से लेके आएंगे। बाय बाय।